तो गाइस मॉनिटर तो बढ़िया आ ही गया है, तो अब बात कर लेते हैं साथ में वायर की। वायर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वायर ही आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर करती है एक जगह से लेके मॉनिटर पे आपको शो करेगी। तो मैं यहाँ पे जो वायर यूज करने जा रहा हूँ वो यूज कर रहा हूँ बेस्टर की, आपका डिस्प्ले पोर्ट वाली वायर है। तो यहाँ पे आपको 8K का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड 8K के अंदर आपको यहाँ पे 60Hz का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको 4K पे इस्तेमाल करते हैं तो 4K के अंदर आपको 120Hz का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है, एंड अगर आप इसको 2K पे इस्तेमाल करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 65Hz प्लस मिल जाते हैं, और अगर आप इसको फुल HD में इस्तेमाल करते हैं तो 240Hz तक का आपको यहाँ पे सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके गाइस, हमारा जो फाइनली सेटअप है वो हो गया है रेडी, एंड उसकी जो लुक है वो कुछ इस तरीके से आ रही है। आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज, प्रोडक्ट मेरे को काफी सही लगा। बेजल्स बहुत ही ज्यादा कम है यहाँ पे मॉनिटर के अंदर, खास करके जो तीनों साइड के बेजल्स है वो बिल्कुल नाम मात्र दिखते हैं, और जो नीचे वो जो रेड कलर का पट्टी दिया ना वो काफी ज्यादा एकदम मर्ज हो जाता है आपके स्क्रीन के साथ। जब आपका डिस्प्ले चल रहा होता है तो ऐसा फील होता है कि वो मतलब डिस्प्ले का ही पार्ट सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा होता है कि वो मतलब वीडियो के अंदर कुछ चल रहा है, तो वो चीज मुझे काफी सही लगी। एंड जो हमें स्टैंड वगैरह भी मिल रहा है, द बिल्ट इज प्रीटी नाइस, काफी अच्छा है। ऑलमोस्ट 400-500 ग्राम के आसपास का स्टैंड जो है वो हमें यहाँ पे दिया गया।